विष्णुवे नमः। आज के वीडियो में आप गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय सुनेंगे। बहुत ही श्रद्धा के साथ आप ये अध्याय सुनिए। भक्तगण, अपने मृतक की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण अवश्य ही कराना चाहिए। एक दिन के बाद गरुड़ पुराण की कथा आपको सुननी या श्रवण करनी चाहिए, ब्राह्मण को बुला के या कहीं ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं गरुड़ पुराण का अध्याय 4। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान जी बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख से के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पूर्व दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गौघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन चुराने वाले, स्त्री देवहारी बालहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, अपन विश्वासघात करने वाले, विष देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ ठग करने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़, सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्न को देखने कर दुखी होने वाले हैं, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवित्त वाले हैं, जो हित कर वाक्य और शास्त्र वचनों को कभी न सुनने वाले हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, बहुत सारे पापों का अर्जन करने वाले, अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं, यम दूतों के द्वारा पीते जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पवित्र वता सती सावित्री उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष रहित कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष को निकालते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर ना पूरा करना, ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान नहीं देते हैं, उन्हें बुलाकर उन्हें अपमान करते हैं, ऐसा करता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु को जो वापस छीन लेते हैं, दान देकर पश्चाताप करते हैं, जो दूसरों की आजीविका का हरण कर लेते हैं, दान देने से रोकते हैं, यज्ञ और विध्वंस करते हैं, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोचर भूमि को जोतता है वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विहीन करने वाला विषली का पति यानी शूद्र स्त्री का पति जो ब्राह्मण हो, वेद प्रतिपादि यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म में युक्त मांस भक्षी, मध पीने वाला और शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, देव पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मण की पत्नी का
से विवाह करने वाला शूद्र राजवाहिनी पे अभिचार करने वाला पराई स्त्री का अपहरण करने वाला कन्या के साथ काम आचरण की इच्छा करने वाला तथा जो सत्तित्व नष्ट करने वाला है वे सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत सारे दुष्कर्म करने वाले उत्सुक तथा शास्त्र विहीन कर्मों को त्यागने वाले मूढ़ जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी कर्मों को पार करने वाले पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टपद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं जिसने अपने जीवन काल में काली गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दान की गई, जिसने अपनी क्रिया में पूजा पाठ उद्देश्य नहीं किए, वे वैतरणी में महान दुख भोगते हैं। वैतरणी तट स्थित सालमली ई वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले हैं, धर्म पालन न करने वाले, ठगने वाले, छल धन का अर्जित करने वाले, चोरी द्वारा अपना जीवन बिताने वाले, उन्हें वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत तथा तीर्थ पर परित्याग करने वाले, विधवा के सील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष के आगस्त होती है, सभी इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं, पीटे जाते हैं। उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले तथा मनुष्य निश्चय ही इस कर्म में पाप कर्म के भागी बनते हैं। जो कुआं, तालाब, बावड़ी, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं वह निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, फूलों, पीलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। मंद पुरुष भगवान शिव, भक्ति शक्ति नारायण, सुर, गणेश, सतगुरु और विद्वान उनकी पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। दासी को अपने सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण की गति क्षीण होती है और शूद्र में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से नीच कुल में जाता है। वह ब्राह्मण में कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वो नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह में प्रसन्न होने वाले मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गायों की लड़ाई को नहीं रुकाते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसी पतिपारणा स्त्री के ऋण ऋषि काल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वरी वाला स्त्री में मगन रहते हैं, जल में, दिन में अथवा श्राद्ध के दिनों में कामुक होकर स्त्री संग करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो अधि हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा उनका विक्रय करने वाले हैं वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केस, योनि का वियोग करने वाली स्त्री तथा विष का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, जो सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निर अपराध को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को
के पास बैठकर भोजन नहीं कराते वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुंठलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो पुरुष नियमों का स्वीकार करने के बाद भी उन्हें त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते हैं, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते वे नरकगामी होते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला, घोर नरक में वास करने वाला और वहाँ से उसका पूरा आत्मा नहीं होता, जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में फेंकते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे उसके करने की याद दिलाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उसके से कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए कहा जाता है, पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस समय अति उष्ण तेल की पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं, वे गिर पड़ते हैं, किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन हीन अवस्था में विलाप करते हैं, विवश होकर श्वास लेते हैं, वे कुछ कहने में भी असमर्थ नहीं होते। हे तार्च, इस प्रकार के पापों की मैंने तुम्हें व्याख्या बताई है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार हजारों नर नारी नरक यातना को भोगते हुए प्रलय यंत घोर नरकों में पकते हैं, उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, वुलम, लता, वल्ली, पर्वत तथा तिड़ आदि के स्थावन योनियों कही गई हैं, वे अत्यंत मोह के आविक्त हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को ले मिलकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत अधिक दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से ही अंधे होते हैं और कोई महारोग से ही व्याप्त होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सौराद्वार में नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को अवश्य ही देखें। अपने पितृजनों की मुक्ति के लिए आप ये कार्य अवश्य ही करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो गरुड़ पुराण के अध्याय आप अवश्य सुने। ओम विष्णुवे नमः। हर हर महादेव।